पूजा फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको पटियाला सलवार बना के दिखाने जा रहा हूँ, जो सरल और आसान है बिल्कुल। प्लेट कैसे डालनी है और कैसे इसमें प्लेटों की गेटअप है पटियाला में, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये हमारी बेल्ट है, हम ये पहले बेल्ट बनाएंगे। तो मैं क्या करना है, यहाँ से आधा इंच हट के दबाव सिलाई लगानी है और हम एक इंच की सिलाई ये लगा देंगे। उसके बाद में बीच में कम से कम एक सवा इंच की गैपिंग दे के, जिससे हम नाड़ा डालते हैं, फिर उसके बाद में ये सिलाई लगा देंगे। और हमें इसे क्या करना है, बीच से ऐसे चीर लेना इसको। ये हमारा नाड़ा डालने का हो गया। अब इसे हमें ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। नाड़ा बनाने के तो कई एक उससे बनता है, लेकिन ये सरल तरीका है। ये हम दूसरी साइड का भी ऐसे मोड़ लेंगे। दोस्तों हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। बेल्ट में दूसरी तरफ पूरा बंद करना है हमें। उसके बाद में हमें ये नेफा मोड़ना है। ये आधा इंच दो सूत का दबाव अंदर देके हमें कम से कम सवा इंच का नेफा ऐसे चौड़ा मोड़ना है। दोस्तों ये हमें नेफा नाड़ा डालने के लिए इतना खोलना होता है। ये हमारी बेल्ट तैयार होगी। दोस्तों ये हमारी कलियों के चार छोटे टुकड़े हैं, जो जोड़ हैं साइड ये यहाँ के। तो हमें क्या करना है, पहले ये दो और दो, ये इनको आसन से सिलाई लगा देनी आसन की। उसके बाद में हम इसमें जोड़ेंगे। ये हम आसन तक सिलाई लगा देंगे। इसको भी ऐसे ही जोड़ लेंगे, दूसरे पार्ट भी। दोस्तों हमें क्या करना है, अब ये दो पार्ट इसमें हमें ये जोड़नी है दो पार्ट में। इसको हम हटा के अभी साइड कर देते हैं। और दो पार्ट ये हैं, तो इसमें हमें ये वाला जोड़ना है। ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये ऐसे तिरछा सिलाई है वो नीचे आसन की तरफ जाएगी। ये हमें यहाँ ऊपर से सिलाई लगानी है, जिधर चुन्नट पड़ते हैं। दोस्तों ये हमें जोड़ लेना है यहाँ पे। दोस्तों ये अब दूसरा पार्ट है, हमें एक में सिलाई लगा ली, अब हम दूसरे पे लगाएंगे। ये हमारी दूसरी भी पार्ट में लग गई। ये हमारी एक तरफ की कलियां तैयार हो गई हैं। अब हम दूसरी कली में भी ऐसे ही जोड़ेंगे, जैसे ये जोड़ रखा है ऐसे ही जुड़ेगा उसमें भी। तो वो भी हम जोड़ के दिखाते हैं। दोस्तों ये दोनों कली हमें इसमें जोड़नी है।
तो हमें क्या करना है, एक पार्ट को हम हटा के रख देंगे ऐसे ऐसे की साइड में। और ये आसन को ध्यान रखना है हमें, ये नीचे की तरफ ही रहे, ये जो सीधा वाला है वो ऊपर की तरफ रहे। ये आसन का है हमारा, तो ये हम अब इसे जोड़ेंगे। ये अब हमें दूसरा भी ऐसे जोड़ना है। दोस्तों ये हम इसको भी ऐसे जोड़ लेंगे। ये हमारी दोनों कलियां हो गई हैं तैयार। अब इसे हम दोनों को ये हमारे पार्ट हैं, हमारे जिस साइड में पहुँचे रहने हैं वो नीचे की तरफ, जिधर पहुँचे बनेंगे उसको नीचे की तरफ रखेंगे। अब हमें क्या करना है, ये एक पल्ले को हटा के रख देना है, इसमें हम एक कली जोड़ेंगे। ये जो हमारी एक तरफ की तैयार कली है, इसको हम, हमें ध्यान रखना है कि ये जोड़ एक तरफ के ही जाएं सारे। अभी हमारा ऊपर की तरफ है तो हम इसे ऐसे रख के जोड़ेंगे। दोस्तों ये हमारे जो जोड़ हैं, ये जो जोड़ आ रहे हैं इसको नीचे की तरफ रखना है। अब इसमें हम दूसरा कुंदा जोड़ेंगे। दोस्तों ये हमारा दूसरा भी कुंदा जुड़ गया। अब इसमें हम जो कली, दूसरी वाली कली है वो भी, कली भी जोड़ लेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि ये कुंदे का जोड़ नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे, हम इसको ऐसे रखेंगे, ये हमारे जोड़ ऊपर को रहेंगे इसके। अगर हम इसको ऐसे नीचे की तरफ रख के जोड़ेंगे तो ये हमारे कुंदे के जोड़ ये गलत हो जाएंगे, ये अंदर की बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो इसको हमें जोड़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों हमें दबाव एक बराबर देना होता है इनमें। और यहाँ पे नीचे उतारने के बाद पहले पक्की सिलाई ज़रूर लगा दें। दोस्तों ये अब हमारे जोड़ सारे नीचे को जा रहे हैं, जो एक तरफ को जोड़ होंगे, ये देखिए जोड़ हमारे सब नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये जोड़ एक तरफ को ही जाएंगे। ये भी हमारा जोड़ नीचे के जा रहा है, ये भी जोड़ नीचे के जा रहा है, और ये भी जोड़ नीचे के जा रहा है, ये भी जा रहा है नीचे का, ये वाला भी नीचे को जा रहा है। अब इसे हमें क्या करना है, ये ऐसे ही पकड़ के ये हमें अब ऐसे इसे भी सिलाई लगा देनी है।
दोस्तों अब हमें क्या करना है, ये हमारी चारों तरफ की जुड़ चुकी है, कली पार्ट कुंदे सब जुड़ चुके हैं। अभी हमें आसन से ऐसे फोल्ड करना है डबल में, और हमें बेल्ट, ये बेल्ट है हमारी, तो हमें बेल्ट से 12-13 इंच, फुल पटियाला है तो आप 15 इंच पे भी, मतलब 7.5 इंच, 8 इंच, 16 इंच तक ले सकते हो फुल पटियाला में। तो इसमें प्लेटें पूरी भर के आ जाएंगी, और अगर 3.5 मीटर 4 मीटर की सलवार है तो उसे आप 18 इंच पे भी ले सकते हो, मतलब उसका आधा 9 इंच बेल्ट का आप यहाँ पे निशान लगा लो। तो दोस्तों हमें फुल पटियाला बनानी है तो इसमें हम 9 इंच पे निशान लगा लेते हैं। हमें यहाँ तक प्लेटें आएंगी हमारी, तो हमें देखना है कि ये हम इतना, ये हमें इतना प्लेट, बैक की साइड की प्लेट भी डालनी है, तो हम इसमें एक्स्ट्रा इतना निकाल लेंगे, और हमें ये यहाँ से जो प्लेट डालने का निशान लगाया है तो हम यहाँ पे कुटका लगा लेंगे, ऐसे कुटका भी लगा सकते हो और निशान भी लगा सकते हो। तो ये हमने कुटका लगा लिया है, ज़्यादा बड़ा कुटका नहीं लगाना, छोटा लगाना है। अब हम यहाँ से प्लेट डालना शुरू करेंगे। तो दोस्तों हमें इसमें कम से कम आपको ये 2.5 इंच की प्लेट लेनी है, 2.5-3 इंच की, तो इससे हमारी फुल पटियाला होती है सलवार, उसमें गेटअप अच्छी आएगी। ये दोस्तों हमें ऐसे प्लेटें डालनी है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि प्लेटों की गैपिंग है वो बराबर आनी चाहिए। दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है, अगर इसमें आप ज़्यादा गैपिंग देते चले जाओगे तो वो बेल्ट जो हमने निशान लगाया 9 इंच पे, तो वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, 12-13 इंच हो जाएगा। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि ये इन प्लेटों में ज़्यादा गैपिंग ना होने पाए, बस 0.5 इंच या हद से ज़्यादा, 0.5 इंच बहुत है वैसे, ज़्यादा ज़्यादा 0.25 इंच तक दे सकते हो, तो उससे ज़्यादा नहीं देना हमें। ये हमें प्लेटों का ख़ास ध्यान रखना है, प्लेट हमारी छोटी बड़ी ना होने पाए। दोस्तों ये हमारा आसन आ गया है, आसन से हमें अब क्या करना है, उल्टी प्लेट डालनी। ये हम अभी इधर से ऐसे डाल के आए, अब ये हमें प्लेट यहाँ तक सिलाई लगा के, ये हमने यहाँ तक सिलाई लगा दी, अब हमें क्या करना है, ये प्लेट हमें ऐसे डालनी है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि इधर की भी प्लेटें बराबर आएँ, बिल्कुल कम ज़्यादा करोगे तो प्लेटों का उसमें कम ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। ये दोस्तों हमें प्लेट बिल्कुल बराबर डालनी है, हमारी प्लेटें डल गई हैं दोस्तों। दोस्तों ये देखो हमने प्लेट डाल ली है, तो ये हमें इतना ही एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा में अभी हमें बैक के साइड में प्लेटें डालनी है। तो हम क्या करेंगे कि अभी बेल्ट लगा के आपको दिखाते हैं।
दोस्तों अब हमें बेल्ट लगाना है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो हमारा आसन है ना, आसन का सिलाई, ये तो ये बीच सेंटर है। अब हमें क्या करना है, ये बीच में जो ये नेफा बना रखा है बेल्ट में, तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल इसी जोड़ के ऊपर से नेफे को, बेल्ट को अटैच करेंगे। हमारी सिलाई नेफे के आसन से बिल्कुल मिलती होनी चाहिए। अभी हमें ऐसे रख के सिलाई लगा देनी है। दोस्तों ये हमारा आसन आ गया है दूसरी साइड का, जो बैक साइड जाता है, ये दूसरा जो जोड़ है ये आसन बैक के साइड जाएगा। तो अब हमें ये जो कपड़ा आपका ये एक्स्ट्रा हमने लिया था, तो इसको हमें चुन्नट में डालना है, प्लेट डालेंगे। तो हमें देखना है ये जो जोड़ का निशान है बेल्ट का, बी सेंटर का, तो हम इससे क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो आसन का सिलाई है, ये आसन की सिलाई से ऐसे मिला के हम प्लेट डाल देंगे। ये हमारा जोड़ बराबर आ गया। अब हमें एक प्लेट और उतनी ही बड़ी डालनी है जितनी उधर से डली हुई है। ये हमने दूसरी भी प्लेट डाल ली इस साइड से भी। अब हमें सिलाई लगा दी, चालू करूँ। ये दोस्तों हमारा जोड़ बिल्कुल बराबर आ गया बेल्ट में, ये ना कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल फिक्स नाप आया है। ये दोस्तों हमारी सलवार पटियाला प्लेटें हैं। अब इसमें हमें पोंछा बनाना है। ये प्लेटें बिल्कुल देखो गेटअप से एक बराबर लग रही हैं, और इस चीज़ को ध्यान रखना है जब भी सलवार पटियाला फर्स्ट क्लास बनती है। अब इसके बाद में हमें अब पोंछा बनाना है, तो हम पोंछा बना के दिखा रहे हैं। दोस्तों ये हमने 3 इंची चौड़ी बुकरम ले ली है। अब हमें क्या करना है, ये नीचे कपड़ा रख के हमें ये ऐसे सिलाई लगानी। दोस्तों ये हमें दबाव इस साइड भी रखना है, ये हमारा पोंछे की तरफ जब उसमें जोड़ेंगे सलवार में, तो ये उस साइड का है, तो हम पहले ये इधर की सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों ये हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है ऐसे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक पैर का दबाव रख के छांट देंगे इसे। अब ये हम, अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो जोड़ है इसका नीचे की तरफ रहेगा, और ये हम इस बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे इसको बराबर में रख के। और हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमें ये बुकरम इतनी फालतू एक्स्ट्रा बढ़ा के रखनी है इस साइड में, कि ये हमारा जो इधर का कपड़ा है ये सलवार का ऐसे कटा होता है। ये दोस्तों हम सिलाई लगाएंगे, हमें बिल्कुल बुकरम के किनारे से सिलाई लगानी है। अभी हमारा दूसरा जोड़ आ गया, तो हम क्या करेंगे, जोड़ को उस साइड को ही खिसकाएंगे। अभी हमारा पहुंचा यहाँ तक। दोस्तों ये हमें ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल इसी के बराबर से सिलाई लगानी है, और ये हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों कपड़े सलवार के ऊपर चढ़े ना, तो हमारा बीच में ये गैपिंग दिख रही है, तो हम ऐसे इतनी दूर से ही लगाएंगे। ये हमारा दूसरा पहुँचेगा, ये तिरछा आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, और अगर हम इसको आगे कर देंगे तो ये फिर हमारा एक के ऊपर चढ़ जाएगा, तो वो सलवार ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है।
यही चीज़ को हमें इस साइड भी ध्यान देना होता है, बुकरम उसी हिसाब से काटते हैं कि हमारा इधर भी कम ना पड़े, तो बिल्कुल बराबर आ रहा है और ये हमारा इतना एक्स्ट्रा में है, यहाँ से बराबर आना चाहिए जो ये ऊपर का हिस्सा होता है, नीचे का यहाँ तक आ रहा है। दोस्तों ये हमें एक पैर की सिलाई लगानी है, इसको पोंछे को ये साइड की फोल्ड करेंगे, ये ऐसे हमें देखना है कि इधर का जोड़ कम ज़्यादा ना हो, इधर को ऊपर करना है ना ज़्यादा नीचे का जाए, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों हमें इधर से भी सिलाई लगानी है बिल्कुल बुकरम के किनारे से, अभी हमें भी इसको भी देखना है ये इसी के बराबर से हो, ये ऐसे जोड़ हमारा सीधा आना चाहिए। दोस्तों हमने इधर भी सिलाई लगा दी है, अब हमें क्या करना है डिज़ाइन बनाने के लिए, इसमें एक पैर हट के सिलाई हम और लगाएंगे इसमें। दोस्तों हमें अब लब की सिलाई लगानी है, ये दोस्तों एक पैर की सिलाई और हमें लगानी है। अभी हमें और एक इधर सिलाई लगानी है एक पैर की, तो इसमें हमें अब लहरियां डालनी है। ये इनमें हम एक पैर की सिलाई लगाई, इसमें भी जिगजैग लगा लेंगे। तो हमें ऊपर वाली लहरियाँ डालनी,
दोस्तों अब हमें इधर से ऐसे लहरियाँ डालनी है। दोस्तों ये हमने गोल लहरियाँ डाल ली हैं इसमें, अब इसके अंदर हम डिज़ाइन बनाएंगे। दोस्तों अब इधर भी बनाएंगे हम। दोस्तों अब ये बीच का बचा है हमारा, तो हमें बीच में भी डिज़ाइन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें जिगजैग मार देंगे, या और कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा भी बना सकते हो। दोस्तों ये हमारे पोंछे बन चुके हैं, और अब इसे हम गिदड़ी से सिलाई लगा देंगे, हमारी सलवार कंप्लीट हो जाएगी। ये पोंछे फिनिशिंग से बने हुए हैं। दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब ये सिलाई ऐसे डबल फोल्ड करके पोंछे को सिलाई लगानी है। हमें पोंछे नापने हैं, हमारे 6 इंच पोंछे हैं, तो ये हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये हमें क्या करना है, ये हमें निशान लगाया वहीं से सिलाई लगानी है। ये हमें बराबर कपड़े को करके सिलाई लगाते जाना है। ये हमें देखना है कि ये जोड़ हमारा है, ये जोड़ पे जोड़ा है, इससे क्या है कि कम ज़्यादा नहीं होगा, जोड़ मिलाएंगे, क्योंकि आसन भी हमें मिलाना होता है जोड़ पे एकदम बिल्कुल जोड़। ये हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है।
फुल पटियाला, इसलिए हम इसको यहीं आसन पे सिलाई पट्टी कर देंगे। और अब हम दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे, दूसरे पोंचे की तरफ से। इसमें भी हम 6 इंच का निशान लगा लेंगे। इसमें भी वैसे ही सिलाई लगानी है जैसे उस वाले पोंछे में लगा दिया। कपड़े को दोनों को बराबर करते हुए ये इसका भी हमें दूसरा पोंछे में भी देखना है कि जोड़ पे जोड़ है। ये बिल्कुल हमारा फिक्स बैठ रहा है, इधर भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। दोस्तों अब इसमें हम गिदड़ी पे ही दूसरी सिलाई डबल लगाएंगे। इससे क्या होता है कि सलवार जो सिलाई चटक जाती है तो वो चटकेगी नहीं। इसको हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऐसे हल्का सा पीछे से खींच के रखना है। कई मशीनों में दिक्कत होती है कि सिलाई थोड़ा बहुत खींच मारती है तो वो नहीं, सिलाई नहीं टूटेगी उससे। दोस्तों ये हमारी सलवार बन चुकी है फुल पटियाला, और इसमें प्लेटें भी फर्स्ट क्लास दिख रही हैं। ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।